अरे टबाकी बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे टाइगर भैया, मैं पहाड़ों में जा रहा हूँ। क्यों, बाबा बनने का विचार है क्या? अरे अरे नहीं भैया, मेरे अगले महीने स्विमिंग कंपटीशन है और मुझे उसमें फर्स्ट आना है, इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये बोलो ना कि हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो। हाँ भैया, वही वही। तो तुमने हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग को अच्छे से समझ लिया? अरे समझना क्या है भैया, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे और वापस आकर कंपटीशन में फर्स्ट आ जाएंगे। नहीं तबाकी, वहाँ टूरिस्ट की तरह घूमने से तुम्हारी परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं आने वाला। क्यों भैया, मैंने सुना है कि बहुत से खिलाड़ी कंपटीशन से पहले पहाड़ों में जाते हैं और वापस आकर फर्स्ट भी आते हैं। हाँ टबाकी, वो सब पहाड़ों में हाई एटीट्यूड पर जाते जरूर हैं, लेकिन वो सब हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। कैसी ट्रेनिंग भैया? आओ इसे अच्छे से समझते हैं कि हाई एटीट्यूड क्या होता है और हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग क्या होती है और इसके क्या फायदे हैं। समुद्र स्तर यानी कि समतल जमीन से कम 2400 मीटर की ऊंचाई को हाई एटीट्यूड कहते हैं। वहाँ समुद्र स्तर के मुकाबले एयर प्रेशर और डेंसिटी कम होती है, जिससे वहाँ समुद्र स्तर के मुकाबले एयर मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं, जिसे हम थिन एयर भी कहते हैं। इसको आसान भाषा में कहे तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। अच्छा भैया, फिर हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग क्या है और इसके क्या फायदे हैं? बताता हूँ, ध्यान से सुनो। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर बने रहें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे और भी बहुत सी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। लो भैया, मैंने तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दिए। और आपने, चलो हम वापस टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, तो हमने हाई एटीट्यूड क्या होता है इसको तो समझ लिया, अब हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग क्या होती है इसको समझते हैं। बहुत से फेमस एथलीट्स ट्रेनिंग के लिए हाई एटीट्यूड वाले एरिया जाते हैं। हाई एटीट्यूड पर हमें समुद्र स्तर के मुकाबले कम ऑक्सीजन ले पाते हैं, जिससे हमारी मसल्स को कम ऑक्सीजन पहुंचती है और हमारी सांसें भी फूलने लगती हैं। यह सुनने में नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन जब हम कम ऑक्सीजन में परफॉर्म करने के आदी हो जाते हैं तो समुद्र लेवल यानी लो एटीट्यूड वाले क्षेत्र पर आकर हमारी परफॉर्मेंस और भी अच्छे से निकल कर आती है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो ब्लड हमारी मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और ऑक्सीजन हमारी मांसपेशियों को ऊर्जा देती है, जिससे हम एक्टिव रहते हैं। हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग एथ्रोपाइटिन यानी ईपीओ को बढ़ाता है। ईपीओ एक हार्मोन है जो रेड ब्लड सेल को बढ़ाता है। आरबीसी बढ़ने के कारण बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है, क्योंकि आरबीसी ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करती है और ऑक्सीजन बढ़ने से मसल्स की क्षमता बढ़ती है। और जब हम कम ऊंचाई वाले क्षेत्र पर किसी खेल में भाग लेते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये बढ़ी हुई परफॉर्मेंस ही हमें जीत दिलाती है। इसलिए बहुत से फेमस खिलाड़ी हाई एटीट्यूड पर रहते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, जिससे उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है और बाकियों के मुकाबले और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। हाई एटीट्यूड पर खिलाड़ी पाते हैं कि जो टारगेट वो समुद्र लेवल पर आसानी से अचीव कर लेते थे, हाई एटीट्यूड पर सेम टारगेट अचीव करने के लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और धीरे धीरे रेगुलर एक्सरसाइज से वो इसको भी आसानी से अचीव कर पाते हैं। इस बढ़ी हुई क्षमता का मुख्य कारण हाइपोक्सिया है, जो एक क्वालिटी है जो कि हाई एटीट्यूड पर ट्रेनिंग करने से हमारे शरीर में पैदा होती है। हाइपोक्सिया के कारण शरीर में एनर्जी पाने के लिए कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अच्छा भैया, आप समझा कि आप हर टूर्नामेंट में फर्स्ट कैसे आते हैं? आप भी हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग करने जाते होंगे। हाँ टबाकी, हमें अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग लेनी चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा और टाइम लगता है, जो सबके लिए आसान नहीं होता। इसके अलावा वहाँ बहुत सी दिक्कतें और परेशानियां भी आती हैं, जैसे सर दर्द, चक्कर आना, नोज ब्लीडिंग और नोसिया आदि, जिससे शारीरिक और मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। और बहुत से खिलाड़ी तो वहाँ सर्वाइव भी नहीं कर पाते, जिन्हें इमरजेंसी में वापस लाना पड़ जाता है। हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग में पैसा और टाइम के साथ साथ रिस्क भी उठाना पड़ता है, इसलिए मैं हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग के लिए नहीं जाता। तो आप फर्स्ट कैसे आते हैं भैया? तबाकी, मैं रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ NVW एटीट्यूड बूस्टर का यूज करता हूँ, जो हमें हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग की तरह ही एक्टिव बनाता है और हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। NVW एटीट्यूड बूस्टर में हमें बहुत से इंपोर्टेंट पोषक तत्व जैसे विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन B6, फोलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन, ALA, चोलिन बिटारेट, इनोसिटोल, पाबा, बोरेन, लुटीन, लिकोपाइन, निकल, विनाडियम आदि मिलते हैं, जो हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। कैपेसिटी के बढ़ने से लंग्स कम समय में ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद आयरन और फोलिक एसिड हमारी बॉडी में ईपीओ और आरबीसी लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। इनोसिटोल और पाबा जैसे पोषक तत्वों के कारण NVW एटीट्यूड बूस्टर का यूज करने वालों को एनर्जी पाने के लिए कम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इसको नए यूज करने वालों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए NVW एटीट्यूड बूस्टर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। भैया ये तो ठीक है, पर NVW एटीट्यूड बूस्टर मिलेगा कहाँ से? इसको आप ले सकते हैं ProteinBasket.com, Amazon, Flipkart पर।
प्रोटीन बास्केट डॉट कॉम एक ट्रस्टेड वेबसाइट है जहां पर सभी प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल और अच्छे रेट पर मिलते हैं। और इसके अलावा 10% डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड Tiger10 यूज कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप NVW के कस्टमर केयर नंबर 9151685168 पर संपर्क करें। हाँ तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और किसी भी जानकारी और सुझाव के लिए हमें कमेंट करें, और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।